नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम बीए तृतीय वर्ष की हिंदी की पुस्तक में थके हुए कलाकार से कविता की व्याख्या करेंगे। थके हुए कलाकार धर्मवीर भारती की कविता है। इसमें कवि ने बताया है कि जब तक निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं तब तक हमें थक कर बैठना नहीं चाहिए। थके हुए कलाकार से शीर्षक कविता में कलाकार को निरंतर सृजन करने की प्रेरणा दी है। कवि कलाकार को सृजन का देवता मानता है। कलाकार निरंतर कार्य करके थक गया है और कुछ विश्राम करना चाहता है, किंतु कवि उसे प्रेरित करता हुआ कहता है कि तू अपने सृजन की थकान को भूल जा, क्योंकि धरती पर अभी तक विकास के कार्य अधूरे पड़े हैं और धरती पर रहने वालों के जीवन में नवीन कल्पनाओं की मधुर चांदनी भी अभी खिली नहीं है। उसके मन में निराशा की पीड़ा एवं अंधकार छाया हुआ है। उनकी आशा रूपी चांदनी की कली अभी अधखिली पड़ी है। उनका जीवन रूप सुख रूपी सुरभि से परिपूर्ण नहीं हुआ है। तुम्हें तो इस धरती को स्वर्ग बनाना है। इस समय थक कर बैठ जाने से विकास का सारा कार्य रुक जाएगा। कलाकार को निराशा के क्षणों में भी खुश रहना चाहिए। विनाश काल में भी कलाकार को मनोबल नहीं त्यागना चाहिए। उसे विषम परिस्थितियों के बीच में भी निर्माण कार्य करते रहना चाहिए। तेरी शिष्यों और व्यथा से तेरे प्राणों की अर्चना गिर सकती है तथा तेरी सृजना की योजनाएँ अधूरी रह सकती हैं। इसलिए हे कलाकार, उठ और अपनी थकान को भूल कर अधूरे पड़े हुए सृजन के कार्यों में लग जा। सृजन की थकन भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धरा अधबनी। अभी तो पलक में नहीं खिल सकी नवल कल्पना की मधुर चांदनी। अभी अधखिली ज्योत्सना की कली नहीं जिंदगी की सुरभि में सनी। अभी तो पड़ी है धरा अधबनी, अधूरी धरा पर नहीं है कहीं अभी स्वर्ग की नींव का पता। सृजन की थकन भूल जा देवता। सृजन का अर्थ है यहाँ पर निर्माण करने वाला या निर्माण करना। सृजन का अर्थ है निर्माण करना। थकन थकावट। अधबनी का अर्थ है अधूरी और सुरभि सुगंध। सनी सिक्त ज्योत्सना चांदनी। तो कवि कलाकार को प्रेरित करता हुआ कहता है कि हे सृजन के देवता कलाकार, अब तक जो किए गए निर्माण कार्य हैं उनकी वजह से जो आपको थकान हुई है उस थकान को आप भूल जाओ, क्योंकि अभी तक इस धरती पर बहुत सारे कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। इस संपूर्ण धरती को मानव जाति के लिए उपयोगी बनाना है। अभी तो मानव जीवन अभी तो पलक में नहीं खिल सकी नवल कल्पना की मधुर चांदनी। अभी तो मानव जीवन में सुख रूपी चांदनी की कली पूर्ण रूप से खिल नहीं पाई है। अर्थात इस धरती पर सुख देने वाले काम अभी सारे अधूरे पड़े हुए हैं। नवल कल्पना अभी अधखिली ज्योत्सना की कली नहीं जिंदगी की सुरभि में सनी। अभी तो पड़ी है धरा अधबनी, अभी जीवन में प्रसन्नता रूपी सुगंध नहीं आ पाई है। अभी तो धरती अधबनी पड़ी है। इस आधी अधूरी धरती पर तुम्हें स्वर्ग बनाना है। अधूरी धरा पर नहीं है कहीं अभी स्वर्ग की नींव का भी पता। अभी तो तुझे इस धरती पर ही स्वर्ग बनाना है, किंतु अभी तक धरती पर स्वर्ग की नींव भी नहीं रखी गई है। सृजन की थकन भूल जा। भाव यह कि धरती पर स्वर्ग जैसे सुख देने वाले साधनों के निर्माण का तो अभी आरंभ भी नहीं हुआ है। इसे स्वर्ग जैसा बनाने के लिए तुझे कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। इसलिए हे कलाकार, थकान को भूलकर निरंतर तू नव निर्माण में लग जा। रुका तू गया रुक जगत का सृजन, तिमिर में नयन में डगर भूलकर कहीं खो गई रोशनी को की किरण। बादलों में कहीं सो गया नई सृष्टि का सप्तरंगी सपन। रुका तू गया रुक जगत का सृजन, अधूरे सृजन से निराशा वला। किस लिए जब अधूरी शवम पूर्णता, सृजन की थकान भूल जा देवता। कवि कलाकार को संबोधित करता हुआ कहता है कि यदि तू रुक गया अर्थात थक कर बैठ गया तो संसार के निर्माण कार्य स्वतः ही रुक जाएंगे। यदि तू थक कर बैठ जाएगा तो अंधकारपूर्ण आँखों से जीवन के विकास के मार्ग भूलकर प्रकाश की समस्त किरणें कहीं भटक जाएंगी। भाव यह है कि कलाकार के बैठ जाने से अभी तक हुआ निर्माण कार्य भी व्यर्थ हो जाएगा। मानव ने जो बहुरंगी अधूरे सृजन से कहीं खो गई रोशनी की किरणें, बादलों में कहीं सो गया नई सृष्टि का सप्तरंगी सपन, तो रुक जा, रुका तू गया रुक सृजन का सृजन। तो मानव ने जो नई बहुरंगी कल्पनाओं की दुनिया बनाने के सपने देखे हैं वे कहीं घने बादलों की छाया में खोकर समाप्त हो गई हैं। बादलों में कहीं सो गया का अर्थ है कि वे घने बादलों की छाया में खोकर समाप्त हो गए हैं। अतः हे कलाकार, यदि तू थक कर बैठ गया तो संसार के नव निर्माण के कार्य अपने आप रुक जाएंगे। अधूरे सृजन से निराशा वाला, अभी जीवन में अधूरापन है। तेरा निर्माण कार्य भी तो अभी तक अधूरा है, किंतु इसे निराश होने की आवश्यकता नहीं। पूर्णता भी सदा अधूरी होती है।
जब अधूरी शिवम पूर्णता की, जब पूर्णता होती है, पूर्ण कोई भी कार्य हम पूर्ण कर लेते हैं तो वो भी अधूरा ही होता है, पूर्णता में भी सदा अधूरापन ही होता है। इसलिए हे निर्माण के देवता, सृजन की थकान भूल जा देवता, तू अपनी थकान को भूल कर निरंतर निर्माण कार्य करता हुआ आगे बढ़ता चल। परले से निराशा तुझे हो गई, सिसकती हुई सांस की जालियों में सबल प्राण की अर्चना खो गई, थके बाहुओं में अधूरी परले ओ अधूरी सृजन योजना खो गई, थकन से निराशा तुझे हो गई, इसी ध्वंस में मूर्छित सी कहीं पड़ी हो गई जिंदगी क्या पता, सृजन की थकन भूल जा देवता। निराश कलाकार को उत्साहित करता हुआ कवि कहता है कि हे कलाकार, हार कर बैठ जाना तेरे लिए उचित नहीं है, मैं जानता हूँ अपने आसपास विनाश को देखकर तू विचलित है और निराशा ने तुझे घेर लिया है, अपने चारों ओर पनपते भ्रष्टाचार और अनाचार की प्रवृत्तियों के सामने तू हिम्मत हार कर बैठ गया है, तेरी हर सांस आंसुओं में डूबी सिसकियां ले रही हैं, तेरे प्राणों की पूजा अर्चना मिट रही है, तू थक गया है और तेरी थकी हुई भाव में अब निर्माण की सारी योजनाएं भी खोसी गई है, जीवन में आने वाली मुसीबतों रुकावटों और विपत्तियों रूपी परले से तू निराश हो गया है। हे कलाकार, इस प्रकार तुझे निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि संभव है इस विनाश में कहीं न कहीं नई जिंदगी बेहोश पड़ी हो, अतः हे कलाकार ऊंट साहस बटोर कर पुनः निर्माण कार्य में लीन हो जा, पहले अपने किए हुए निर्माण कार्य की थकान को भूल जा, तू सृजन का देवता है और तू निराश होकर बैठ जाएगा तो संसार का निर्माण कार्य आगे कैसे बढ़ पाएगा। तो कवि ने यहाँ पर आशावादी स्वर मुखरित किया है भाई, कवि पर छायावादी काव्य शिल्प का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है, छायावाद जो कि 1918 से 36 तक चला था, ठीक है, जिसमें जयशंकर प्रसाद और निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा मुख्य कवि थे। लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता का प्रयोग किया गया है। प्रतीक क्या होते हैं? जो सूक्ष्म, वो सूक्ष्म भाव होते हैं जो अगोचर हैं, जो दिखाई नहीं देते, तो उनको साकार रूप में प्रस्तुत करना होता है प्रतीक, जैसे झुका हुआ झंडा हमारे राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। रूपक विरोधाभास प्रसन्न और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया है। विरोधाभास अलंकार होता है कि किसी गुण जाति क्रिया का इस प्रकार से वर्णन किया जाए कि विरोध न होते हुए भी विरोध सा दिखाई पड़े, भाषा सहज सरल और प्रभावशाली। धन्यवाद।